चार गुड न्यूज सुनाओ। जी हमारे गुन्नू का पहला दूध का दांत टूटने वाला है। बहुत देर बाद टूटने वाला है। बस इसका दूध का दांत नहीं है, मैगी का दांत है। दूध से ज्यादा ये मैगी खाई है ना इसने। आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है, एयर प्यूरिफायर साफ करें। अच्छा दोस्तों, अपना काम दिखाने के लिए व्लॉग स्टार्ट हो गया है। What's up, you family? सभी सब्सक्राइबर भी उसको मेरा प्यार भरा और मैं दिल से नमस्कार है दोस्तों। वे दरवाजे खुलता रहे जरा। स्वागत है नए व्लॉग में सुनहरी सुबह के साथ। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था भाई सुबह सुबह, और मैं व्लॉग लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। मनीषा ऑफिस जा चुकी है और सुबह मैं स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि बरसात। अब भाई क्या हो गया? रुक यार, थम जा। हाँ भाई, तू चला जा पहले, गया होता हूँ। ठीक है जी। सो गाइस, सबसे पहले सुबह सुबह बारिश हो रही थी, अल्टीमेट मौसम हुआ हुआ था। थोड़ी देर बाद ही धूप निकल गई है, आसमान साफ हो गया है, धूप आ गई है। सुबह सुबह एकदम व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया यार, क्योंकि लेट उठा और सुबह ही हबड़ तबड़ रही, बारिश रही। मनीषा को छोड़ के आया बरसात में पूरा गाड़ी में, फिर ऑफिस का काम, फिर अब से लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चे नीचे गए हुए, नीचे ही सो रहे थे दादी के पास। सो अभी आएंगे बच्चे, सभी मिलेंगे। सो दो तीन काम है, दो तीन चीज़ें आपको दिखानी भी हैं, तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ब्लॉक का। लेके बोलना आपका नाम, हर हर महादेव। भोलेनाथ सबका भला करे, शुरुआत मुझ गरीब से करे प्लीज भोलेनाथ। अभी अभी बस ऑफिस के काम से फ्री हूँ, अब घर के छोटे मोटे दो काम कर लेते हैं, दो चार काम, जब तक कि बच्चे आ रहे हैं। और नीचे से अकेला ही हूँ पूरे घर पे, मनीषा ऑफिस में भी है, जैसे आपको बताया मैंने, अकेला हूँ, कोई नहीं है। जैसे कि एक काम था ये कि प्यूरीफायर बहुत दिनों से बंद पड़ा है, अभी बीच में कुछ काम करवाया था ना हमने घर पे, तो आजा भाई। ओह शिट, ये कुकू के टॉय हैं सारे, और ये इसकी दो सुपर कार्स यहाँ पे रहती है, ढंग से लगाना पड़ेगा। बुलेट यहीं रखी हुई है, सुपर कार। प्यूरीफायर है, साफ करना है अपने को, बहुत दिनों से चलाया नहीं है अपन ने। हाय गाइस, हाय, हेलो, आ गई पापा की याद, आ गई पुराने की। हाय रैना, पापा की याद तो नहीं आई है, खाना खाने आए। अच्छा, खाना खाने आए, पापा की याद नहीं। ये प्यूरीफायर साफ करना है मेरे को, चलाना है, बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, तो साफ करेंगे। क्योंकि है तो प्यूरीफायर, ये प्यूरीफायर नहीं बेटा, दूसरा कहाँ है, इसको साफ करना पड़ेगा। इतना कचरा निकला इसमें से दोस्तों, इंटर क्या है ये निकला, ये गुगु ने डाला होगा पक्का, पता नहीं क्या क्या गया होगा। चलो अब इसके फिल्टर्स लगा देते हैं, फिल्टर क्या बंद कर देते हैं, साफ तो हो गया। चलो जी, हो गई सफाई, चमक गया बच्चों, चमक गया ना, हो गया ना, साफ हो गया ना। अब इसको ऑन करते हैं। अरे तुम खाना खाने लग गए अकेले अकेले, मेरा वेट नहीं किया, कार्टून चल रहा है। चलिए दोस्तों अब इसको ऑन करके देखते हैं, आई होप ख़राब ना हुआ हो। मनीषा का कहना ये होता है कि मैं जिस चीज़ को साफ़ करता हूँ वो ख़राब हो जाती है, देखते हैं ये बात सच है कि नहीं। आज इसको ऑन करके पता लगेगा। लग गई तार, अब ऑन कर दे बच्चों, क्या बोलते हो? कर दे, टू थ्री, जय माता। खराब मत होइए भाई, खराब मत होइए, हो गया। मोड कौन सा चलाना है, ऑटो नहीं, ये बटन ही खराब हो गया इसका, ये लाइट मोड, ऑटो कर देते हैं। ऑरेंज दिखा रहा है तो मॉडरेट है, मतलब अभी एयर क्वालिटी है जो अभी मॉडरेट है। ऑरेंज रेड दिखाता है तो अब ग्रीन, तो मतलब एयर कर दी इसने साफ इस कमरे की। सो चलिए एक काम हो गया, लंच कर लेते हैं फटाफट। सो दोस्तों हमारे घर एक्चुअली कोने का है ना, कॉर्नर का, तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती है, तो इसलिए प्यूरीफायर वगैरह हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। और दिल्ली NCR में रहते हैं तो आपको पता ही है कितना पॉल्यूटेड रहता है, एयर क्वालिटी जो होती है कितनी नीचे, कितनी ज़्यादा ही पॉल्यूटेड होती है, तो इसलिए कोने के घर में, तो इसलिए एयर प्योरीफायर अगर आपका भी दिल्ली NCR है तो छोटा सा एयर प्योरीफायर ज़रूर लीजिएगा, 8-10 हज़ार में आ जाता है।
ठीक है। चलिए जी दोस्तों, अब बत्ती गुल हो गई थी बहुत ही तेज ऑफिस का काम करते करते ही, और शाम का टाइम हो गया, मनीषा का टाइम हो गया आने का, तो वो पहुंच गई है, बोटैनिकल पहुंच गई है, उसको लेके आते हैं फटाफट। चलिए गेड़ी मार के आते हैं, बढ़िया मौसम का मजा लेते हैं स्कूटी में। बारिश आने लगी है दोस्तों, जब मैंने स्कूटर निकाला था तब तो बारिश नहीं आ रही थी, अभी अभी बस बारिश शुरू होने लग गई है, और मनीषा भी नहीं आई अभी तक, लगता है बीत के जाना पड़ेगा, पर साथ में मज़ा आएगा स्कूटी में। क्या बोलते हो, आराम आराम से चलते हैं, थोड़ा बीतते भागते चलेंगे, जवानी के दिन याद करते हुए चलेंगे। छः बजे उठ गया था, अब फिर सो गया शाम को, छः बजे उठ गई थे आप। चलो उठो, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, चलो चलो चलो। चिप्स भी लाइए बहुत सारे, चलो चिप्स लाइए बहुत सारे। दोस्तों बताते हैं, एक इंफॉर्मेशन भी देनी है आपको, वो भी शेयर करेंगे कि वीर खुद बताएगा और खुद दिखाएगा, ठीक है। हाँ। चलो चलो, हम तो जा रहे हैं ऊपर चिप्स खाने। जी मैडम, कैसा रहा आपका दिन? गुड इवनिंग। बढ़िया। आते ही क्या करने लग गए? अरे सांस तो ले लो, पानी तो पी लो, आते ही लग गए काम पे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है हमारे व्लॉग में। बना भी है व्लॉग, हुआ छोटे से थोड़ा बहुत तो हुआ है। आज मैंने बहुत बड़ा काम करा है, एयर प्यूरिफायर साफ करा। अच्छा दोस्तों, अपना काम दिखाने के लिए व्लॉग स्टार्ट हो गया है। ऑफिस के काम थोड़ी दिखा सकता भाई। अब आज तुमने रील बनाई है ना बरसात वाली, बड़ी अच्छी रील बनाई थी, लाइक करो गाइस। चलिए जी दोस्तों, बच्चे भी आ गए हैं ऊपर। हाय जी, टीका किसने लगाया? वाह हरे कृष्णा, ये टीका किसने लगाया बताओ तो सही। परी। दादी ने? परी। परी। चलिए जी दोस्तों, चाय बना देते हैं, चाय बैठ के पीते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। क्या करूं? रिंगा रिंगा रोजेस जैसे करता हूं आपके साथ। क्या हो जाएगा? बट बट हो जाएगा, बट की दाल। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं करूं, चल तेरे बाप को मत सिखा। चलिए जी दोस्तों, चाय हो गई तैयार, मैडम जी ये रहो चाय, टी टाइम। हाँ जी मैडम, चाय पी ली। क्या बना रहे हो डिनर में, क्या बन रहा है आज? यहाँ पे करो अच्छे से। अच्छा मसाज करूँ? मसाज करनी है। ये परी कितने अच्छे टीका लगाती है। परी बनाती है टीका? ये तो बोला दादी ने बनाया। क्या एक गुड न्यूज सुनाओ? क्या गुड न्यूज सुनाओ? दादिल लगा जिसका अब मेरी खिड़की खुल जाएगी। कौन सा दातिल दे दिखाओ? कौन सा वाला? ये वाला। हाँ हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है गाइस, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ओ उसका देखा, दांत के पीछे दांत आ रहा है, तीत आ रहे, दिखा दांत, टांग नहीं लगा दे ये, ओ आने लग गया। ये भी परी दीदी की तरह वो हो जाएगा, परदाता। क्या कहते हैं? परदाती। एक दांत के ऊपर एक दांत परी क्या है ना। चलो जी, हमारे गुन्नू का पहला दूध का दांत टूटने वाला है, बहुत देर बाद टूटने वाला है। बस इसका दूध का दांत नहीं है, मैगी का दांत है। दूध से ज्यादा ये मैगी खाई है ना इसने, तो ये मैगी वाला दांत है इसका, मैगी वाला दांत टूटने वाला है। पापा मेरा फेवरेट। ये तो व्लॉगिंग करते रहते हैं, हमारा वो हो जाता है टाइम खराब। बंद लगा दी, लगा दी, बोला था मैंने आज लगवा दे।
क्या क्या लगा ने जो मैंने बनवाया? बस एक चीज और दिखानी थी, लेकिन अभी इस ब्लॉग को फिलहाल यही एंड करते हैं क्योंकि लंबा हो गया। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको बढ़िया सा आर्ट बनाया हमारी आरू की मम्मी ने। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग फॉर द लवली ब्यूटिफुल आर्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। कल तो ऑफिस जाऊंगा, नहीं बनेगा शायद ब्लॉग, तो परसों दिखाऊंगा, परसों वाले ब्लॉग में फिर आपको वो सैटरडे संडे देखने को मिलेगा। तो चलिए तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज एजी लिमिटलेस ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय। इसकी दांत में मारो, दांत में मारो, इसके दांत में मारो, मैगी वाले दांत टूटने वाले हैं। बाय। ऐसे बाय कौन करता है, ऐसे बाय कौन करता है? ये इसके दांत अपने आप ऐसी तो नहीं टूट रहा है, ऐसी हरकतें करता है ये, इसलिए तो नहीं टूट रहे इसके दांत। बस 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 मैगी वाले दांत।